आरोप पत्र पेश करेंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। खैरमाल अर्जुनदास सरायपाली में सभा करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा है, बेहद ही खास ये दौरा होने जा रहा है। बता दें हुंकार यहां से भरने वाले हैं, सरायपाली से हुंकार भरेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं आरोप पत्र भी उनके द्वारा पेश किया जाएगा। कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखा गया है। खैरमाल अर्जुनदास सरायपाली में सभा को भी संबोधित गृहमंत्री अमित शाह करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा है, साथ ही साथ कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र भी पेश करने वाले हैं। आखिर चुनावी साल है, चुनावों को देखते हुए ये दौरा कितना अहम हम माने? जी, चुनाव को देखते हुए यह दौरा काफी अहम है। अमित शाह कल आ चुके हैं, उन्होंने संगठन की बैठक ली, तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद थे। अभी 11 बजे दीनदयाल ऑडिटोरियम में वह कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और तमाम चीजें जो कांग्रेस सरकार ने की है, वो तमाम दावे इसमें और भ्रष्टाचार की तमाम चीजें इसमें होंगी। अमित शाह यहां पे आ चुके हैं, संगठन की लगातार वो बैठक ले रहे हैं। यह दौरा अमित शाह गया, यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वह तब है जब के एल सुरेश भी जो संगठन के महामंत्री हैं, वो संतोष के एल संतोष जो संगठन के महामंत्री है, वो भी यहां पे आ चुके हैं और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। हो सकता है कि दूसरी सूची भी भाजपा जारी कर सकती है। फिलहाल अमित शाह 11 बजे कार्यक्रम में मौजूद होंगे, यहां से कार्यक्रम के बाद सरायपाली दौरे पर रहेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है, आज राहुल गांधी रायपुर आने वाले हैं। दोपहर करीब